आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 6 मई को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराने वाली अभियुक्ता को गुलेरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। सड़क सुरक्षा व विद्यालय परिवहन को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा, सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए चौराहों का किया जा रहा है सुंदरीकरण, लोगों को ट्रैफिक विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति किया जा रहा है जागरूक। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की टीम ने चलाया ऑपरेशन ब्लैक फिल्म अभियान। ब्लैक फिल्म लगी चार पहिया वाहनों की चेकिंग कर उतारा गया ब्लैक फिल्म। दुकानों पर बिक रहे ब्लैक फिल्म को किया गया जब्त। की गई चालान की कार्यवाही। कहा, ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को किया जाएगा सीज। एक सौ 141 माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का जिलाधिकारी के निर्देश पर किया गया जांच। जिलाधिकारी ने कहा, कमी पाए जाने वाले विद्यालयों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगाया रोक। मंडल में गेहूं खरीद का कार्य हो रहा है तेजी से। संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने कहा, टीम किसानों के घर घर जाकर खरीद रही है गेहूं। किसानों को उनकी उपज का मिल रहा है सीधा दाम। यूडाइस के अंतर्गत डाटा फीडिंग की अधिकारियों की बैठक बीएसए रामेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, सभी प्राइवेट व राजकीय विद्यालय यूडाइस पर जल्द से जल्द फीड करें अपना डाटा। बरसात से निपटने के लिए जिला प्रशासन की जोरों पर चल रही है तैयारी। नालों की सफाई के साथ बंधों के मरम्मत का कार्य चल रहा है जोरों पर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जल्द ही रामगढ़ ताल में 5-स्टार क्रूज पर जोड़े ले सकेंगे 7 फेरे। डिनर व पार्टी की भी रहेगी व्यवस्था। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। और अल्ट्रासाउंड सेंटरों और अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होमों की नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा की जा रही है निगरानी। शिकायत मिलने पर की जाती है छापेमारी कर वैधानिक कार्यवाही। सीएमओ डॉ आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी।